आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पठानकोट जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर बैठक की गई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब उपाध्यक्ष राकेश राठौड़ उपस्थित रहे। वहीं पार्टी सदस्यों की ओर से मोदी द्वारा लिखा गया पत्र भी लोगों को वितरित किया गया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक दिनेश सिंह बब्बू, पूर्व परिवहन मंत्री मास्टर मोहनलाल, पूर्व विधायिका सीमा देवी, राकेश ओल, रमेश शर्मा के अतिरिक्त अन्य पार्टी सदस्य उपस्थित रहे। पठानकोट में आज मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में एक पैम्फलेट और मोदी जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र, उसको वितरण करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसको हम पूरे पंजाब में कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी के बहुत सफल कार्यकाल रहा। उसके बाद भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता सौंपी और उसके बाद ये पहला जो साल है उसमें बहुत सफल तरीके से कार्यक्रम किया गया और बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिसके बारे में हम चाहते हैं कि जनता में सारी बात जो है हमारे कार्यकर्ता लेकर जाए। और आज जिस तरह 370 और 35 का हटना, 3 तलाक के खिलाफ फैसला लेना, राम मंदिर का बनने का कार्यक्रम और CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की बात, और हम जानते हैं करतारपुर गलियारे का जो कार्यक्रम शुरू कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सफल निर्णय और उनकी ऐसी सोच का प्रतीक है जो देश के प्रति समर्पित होकर जो लोग हैं इसके फैसले ले रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, पठानकोट के मास्टर मोहनलाल जी हमारे अध्यक्ष, यहाँ के विजय जी और सब लोग यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और आज हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो उपलब्धियाँ हैं एक साल की वो इस पैम्फलेट में हम सब लोगों तक पहुँचाएँगे और बांटेंगे ताकि ये बताया जाए कि क्या क्या निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह माननीय राकेश राठौर जी ने सारी जो अज जनसंपर्क अभियान असं लैन जा रहे हैं उसके बारे अपने सब नूं एक्सप्लेन किया, मैं समझता दोबारा बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये असी जिहड़ा प्रोग्राम है ये इस जिले के हर पिंड च हर बूथ और हर घर तक लेके जा रहे हैं ताकि मोदी सरकार दीआं जो उपलब्धियां वो ऐसियां उपलब्धियां जिन्हां दे बारे कोई सोच ही नहीं सकता भी ये कभी होणगियां वो मोदी जी ने कीतियां ना, और ये साडा फर्ज बनता है कि असी ये संदेश हर घर तक पहुँचाइए। इस देश की जनता अच्छी तरह समझे कि साडे द्वारा दिता गया वोट वो सार्थक होया, साडे वोट ने इस देश दी पुरानियां समस्यावां जिहदे बारे लोग बहुत दाबे भी मारदे सीगे, लोग विरोधी लोग कहिंदे सीगे अगर ये हटाए गए जिस तरह 370 है 35 है अगर हटाया गया तो भूचाल आ जाएगा, तूफान आएगा, लालो लाल हो जाएगा, लेकिन साडी सरकार ने विधिवत अच्छे तरीके नाल और पार्लीमेंट तो मंजूर करवा करके, ऐसा नहीं कोई धक्केशाही की है, पार्लीमेंट तो बकायदा मंजूर करा के और इस दफा नू हटाया और जिहड़ा जम्मू कश्मीर है दो क्षेत्र यूटी च वंडिया और इस नू सदा लई हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाता गया और इस दे नाल जिहड़े कुछ विरोधी लोग जिस तरह पाकिस्तान है चाइना टैररिज्म आड़ आड़ च लैके टैररिज्म फैलाते सीगे वह भी खात्मे वाल हो रहा है, उसका तुम तो रोज़ देख रहे हो 8-9-10 लोग मर रहे हैं। तो अज इन्ना ही संदेश है, इस तो अलावा सब का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।